गर्म हो चुका है। गुजरात में जहां विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 9 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, वहीं यूपी निकाय चुनाव में अभी 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं, लेकिन जीत हार को लेकर उड़ा भाग जारी है। गुजरात चुनाव के साथ साथ इन दिनों यूपी निकाय चुनाव को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। एक और जहां यूपी में पहले चरण के निकाय चुनाव होते ही जीत हार को लेकर सियासत है, वहीं भाजयुमो के कोषाध्यक्ष पंकज जैन गुजरात चुनाव के साथ साथ यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। पूरा पूर्ण विश्वास है बीजेपी की वहां पे बहुमत आएगी और बहुत सफलता से आएगी, क्योंकि जो हमने देखा है लोगों के पास नीचे लेवल तक वहां पे एक उमंग है एक बीजेपी की, देख रहे हैं कि बीजेपी ने भारत के लिए क्या कर रहे हैं, मोदी सरकार की जो पॉलिसीज है वो देख के लिए फायदेमंद है। उत्तर प्रदेश में जो जनता है वो मोदी के चेहरे को वोट कर रही है या योगी के चेहरे को देखकर वोट कर रही है? वो भाजपा को वोट कर रही है, भाजपा की पॉलिसीज क्लीन गवर्नेंस उसको वोट कर रही है। इस बीच राजनीतिक विश्लेषक एके मिश्रा ने गुजरात में हार्दिक पटेल और कांग्रेस की नजदीकियों पर कुछ अलग ही टिप्पणी की। उनका दावा है कि बीजेपी से मुकाबले के लिए विपक्ष अभी उतना मजबूत नहीं है। हार्दिक पटेल का भी अगर देखा जाए जो अभी तक, हालांकि किसी भी दिन ये रिजल्ट चेंज हो सकता है एक दिन पहले तक, लेकिन अभी तक जो एनालिसिस है ठीक है वो एक हो सकते हैं, कुछ उनका वोट बैंक शेयर बढ़ सकता है, कुछ सीटें है, लेकिन बात अगर सरकार बनाने की जाए तो अभी भी बीजेपी के टक्कर में अगर देखा जाए तो इनका इम्पैक्ट उतना जबरदस्त नहीं हो पा रहा है। खैर कहां कमल खिलेगा और कहां पंजे का कमाल दिखेगा, चुनाव परिणाम से पहले कुछ कहना जल्दबाजी होगा। किरण कांत, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। और प्रद्युम्न हत्याकांड